नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले की बीदासर, रतनगढ़ व सुजानगढ़ पंचायत समितियों में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं COVID-19 के संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर ही मतदाताओं को मतदान के लिए प्रवेश दिया गया। इस दौरान बुजुर्गों ने भी अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, चुनाव पर्यवेक्षक छगन श्रीमाली, ADM रामरतन सोकरिया सहित चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से नजर रखी। सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सोमवार को शाम 5 बजे तक 63.36%, रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 63.68% एवं बीदासर पंचायत समिति में 68.77% मतदान हुआ है। वही रतनगढ़ पंचायत समिति के 19 ब्लॉक व 4 जिला परिषद वार्डों के चुनाव आज प्रथम चरण में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। मतदान शुरू होने से पूर्व गांव पंचायत लोहा व भावन देसर के 2 बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत ईवीएम को बदलकर मतदान शुरू करवाया। रतनगढ़ तहसील के 49 भवनों में 222 बूथ स्थापित किए गए हैं। वहीं 10 संवेदनशील ग्राम पंचायत के बूथों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो इसके लिए पुलिस व RSS जवानों का जाप्ता भी तैनात रहा। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 में उपयोग में ली गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पंचायत समितिवार निर्धारित संग्रहण केंद्रों में संग्रहित कर जिला स्तर पर निर्धारित मतगणना स्थल राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में माकूल पुलिस जाप्ते की सुरक्षा में स्ट्रांग रूमों में सुरक्षित रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय में रूम संख्या 124 में सुजानगढ़ पंचायत समिति व रूम संख्या 6 में बीदासर तथा रूम संख्या 29 में रतनगढ़ पंचायत समिति की मतगणना होगी। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर में नाबालिगा के अपहरण मामले में रतनगढ़ पुलिस को 4 दिन बाद सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिगा को मुंबई से दस्तयाब कर परिजनों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी करवाई है। वहीं दूसरी ओर गांव में स्थापित मतदान केंद्र पर आज 11:15 बजे तक मात्र 4 लोगों ने ही मतदान किया था। घटना के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर की 17 वर्षीय नाबालिगा को 18 नवंबर को एक युवक बहला फुसला कर ले गया था। घटना को लेकर नाबालिगा के चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं रविवार को नाबालिगा के 70 वर्षीय दादा की आकस्मिक मौत हो गई थी। घटना को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया तथा मतदान केंद्र से दूर सालासर मार्ग पर एकत्रित हो गए। वे ग्रामीणों ने अपने मत का प्रयोग भी नहीं किया। पुलिस द्वारा नाबालिगों का दस्तयाब करने की सूचना परिजनों को देते हुए शव का अंतिम संस्कार करने तथा मतदान करने की बात कही, जिस पर 11:15 बजे मतदान शुरू हुआ। वहीं बीती रात घटना को लेकर नाबालिगा के पिता ने पूर्व सरपंच सहित 3 नामजद व 2-3 अन्यों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अपहरण केस के अंदर हमने 5 टीमें गठित की थी। SP साहब, IG साहब बीकानेर के निर्देशन के अंदर हमने गुजरात मुंबई टीम भेजी, हमने भादरा टीम भेजी, हमने जयपुर के अंदर टीम भेजी, हमने चूरू के अंदर एक टीम भेजी, एक नागौर भेजी। सभी जगह हमने तलाश करवाई। हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर सेल, उनसे हमने मदद ली और इन सभी के प्रयासों से और मेहनत से हमने लड़की को आज अपहरता थी उसको हमने तलाश कर लिया है। उसको जो भगा कर ले गया था उसको भी तलाश कर लिया है और टीम हमारी वहाँ से दोनों को लेकर रवाना हो गई है, यहाँ पहुँच जाएगी। हम विधि अनुसार उनकी कोर्ट में बयान करवाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। इसी बात को लेकर यहाँ ग्रामीणों ने मतदान के लिए कहा था कि वो पहले अपहर्ता को बरामद करो, उसके पश्चात हम मतदान करेंगे। लोगों को समझाइश की। प्रथम वोट तो शुरू के अंदर इस टाइम से गिर गया था, उसके बाद में कुछ लोग नहीं आए। अब मतदाता वापस आने शुरू हो गए और मतदान चालू है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज पंचायत राज चुनाव हेतु रेड़खला, जोड़ी, खीवासर, कोटवा, टिब्बा, ढाणी कुमारान, रामपुर ताल आदि गाँवों में जाकर ग्रामीणों से भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा ही गांवों में विकास करती है। उन्होंने कांग्रेस के कुशासन की चर्चा करते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों के हालात बदहाल हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में अनेक कार्य किए हैं। इस मौके पर कई ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिस पर राजेंद्र राठौड़ व निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने उनका दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। जिले में दलित समाज के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। जो उम्मीदें उन्हें नई सरकार अशोक गहलोत सरकार से थी वो धूल धूसरित हो गई। 5 महीने से
वृद्धावस्था और गरीब की पेंशन रुकी पड़ी है। श्रम कल्याण से जुड़ी सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी, जिनका लाभ गरीब को मिलता था। गरीब अपने आप को ठगासा महसूस करता है, इसीलिए दलित समाज के लोग उमड़ घमड़ के सभा में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन को पकड़ रहे हैं। सादुलपुर में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने समर्थन में मतदान करने हेतु निरंतर ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत जगदीश प्रसाद ने आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में दर्जनों गांवों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी का जगह जगह स्वागत व अभिनंदन भी किया गया। वहीं सादुलपुर विधायक डॉ. कृष्णा पुनिया ने भी आज पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर गांव कालाना ताल, विजयपुरा व रावतसर कुंजला आदि गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान विधायक पुनिया ने नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेसी नेता रफीक मंडेलिया व सभापति पायल सैनी ने भी आज तहसील के गाँव का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। इसी क्रम में मंडेलिया ने गांव रीढ़खला व सातरा में पंचायत समिति एवं जिला परिषद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की व क्षेत्रवासियों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन लगातार शहर में गश्त कर लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस ने आज शहर के चौक चौराहों पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। कोतवाली थाना अधिकारी सुभाष कछावा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो बिना मास्क घर से निकल रहे हैं उनका 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही इसकी वैक्सीन है। प्रदेश में कोरोना महामारी के फैल रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय चुरू के आदेशानुसार आज चुरू शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों को समझाइश की जा रही है और सख्ती से पालना करवाई जा रही है कि मास्क लगाएं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए लोगों को समझाइश की जा रही है। कोरोना महामारी के फिलहाल को देखते हुए लोगों को बचाव रखना आवश्यक है। चुरू मुख्यालय की नई सड़क स्थित विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में आज अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिला मंत्री शंकरलाल जांगिड़ का निधन होने पर महासभा जिला इकाई द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने स्वर्गीय जांगिड़ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर महासभा जिला अध्यक्ष गिरधारीलाल राजौतिया ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि महासभा में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष मगराज जांगिड़, जिला मंत्री लीलाधर राजौतिया व जिला मंत्री विश्वनाथ सिलक सहित समाज के अनेक लोग मौजूद थे। विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में हमारे सबके आदरणीय और मार्गदर्शन रहे और युवाओं के विशेष मार्गदर्शन रहे अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिला मंत्री, विश्वकर्मा परिवहन समिति के भी पदाधिकारी, समाज सेवी, कुशल वक्ता, प्रबंधक ऐसे आदरणीय शंकरलाल जी जांगिड़ काला साहब का निधन हो गया। भगवान की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। हम सब आज मिलकर जिला अध्यक्ष जी के सानिध्य में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये कामना की कि उनके परिवार को संबल प्रदान दें और उन पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। चूरू बालिका आदर्श विद्या मंदिर में आज आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के प्रथम अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शिव भगवान शर्मा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में आदर्श शिक्षण संस्थान के व्यवस्थापक मदनलाल प्रजापत, बालिका विद्यालय के व्यवस्थापक निरंजन वर्मा, उच्च प्राथमिक बालिका के व्यवस्थापक मंगलचंद सैनी, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हजारी सिंह राठौड़ व उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य शरद शर्मा सहित विद्या मंदिर के पूरे कर्मचारी, आचार्य स्टाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्ना देसर में आज जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव मतदान केंद्र पर पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने मतदाताओं को 1100 मास्क बांटे व सैनिटाइज कर दिव्यांग जनों को बूथ तक पहुंचाने में योगदान दिया। सरपंच दिव्या राठौड़ व जोनल मजिस्ट्रेट मनोज शर्मा ने कहा कि बाबूलाल तूनगरिया ने कोरोना काल में समाज सेवा से जुड़े अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। आज जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान किया जा रहा है। इस अवसर पर रत्नादेसर ग्राम पंचायत के 5 बूथों पर विद्यालय के जिला सम्मान प्राप्त शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया, जिनका पर्यावरण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, के द्वारा 1100 मास्क वितरित किए गए और सारे दिन दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक पहुँचाने में सहयोग किया गया और साथ ही उनको सैनिटाइज किया गया।
कोरोना संक्रमण के खिलाफ गहलोत सरकार ने जंग तेज कर दी है। अब बिना सूचना दिए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। वहीं विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। सरकार अब विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में विवाह समारोह का सीजन चल रहा है, ऐसे में सरकार की मंशा है कि कोरोना से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रावधानों को कठोर किया जाए ताकि बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।